आ जाना। अच्छा बढ़िया, नहीं कहाँ से बढ़िया होगा तुम्हारा, कहाँ से कोई ढंग की न्यूज़ दे दें कि हाँ ज्ञानी कवर कर ले, कोई ढंग का टॉपिक दे दें कि ज्ञानी बात कर ले। द मोमेंट यू रियलाइज कि ज्ञानी के बाल ज्ञानी के चैनल से जल्दी बढ़ रहे हैं, अबे शर्म हया है कि नहीं, एक ही जो कितने दिन मारोगे, मतलब एक दिन इतने कर देते हैं अपने आप बंद हो जाए ना, जब तक मेरे बाल नहीं आएंगे ना पूरे तब तक तुम हगते रहोगे। कितनी बार समझाना पड़ेगा, दुनिया में अगर तुम कुछ बन सकते हो तो अच्छा इंसान बनो, तारीफ करो लोगों की ना, मजे लेंगे। अबे हरामी लोगों से भरी पड़ी है दुनिया, पता क्या होगा फेंग के साथ? नहीं अबे वो अपने सेकंड चैनल पे ना, मतलब जहाँ पे वो रिएक्शन करता है तो वहाँ पे रिएक्ट कर रहा था, तो किसी की वीडियो क्लिप थी, मतलब जिसने CID की क्लिप पे डबिंग करी हुई थी, साले इतने हरामी लोग निकले, उन्होंने कॉपीराइट दे दिया, स्ट्राइक क्लेम भी नहीं, स्ट्राइक, और फिर ब्लैकमेल करने लग गए मेरे भाई फेंग को। तो उसी पे रिएक्ट करते हुए उसने कुछ स्टोरीज डाली। तो ये ना यूट्यूब पे एक चैनल है कोई अली ब्रदर्स करके, ठीक है, वो ना ऐसे CID वगैरह का डब वगैरह करते रहते हैं, ठीक है। इन हरामखोरों ने पता है क्या करा है, इन्होंने अपनी वीडियो मेरे रेडिट पे अपलोड करी थी, जो सेकंड चैनल का मेरा रेडिट है ना, जिन पे मैं रिएक्शंस वगैरह डालता हूँ, उस पे इन्होंने अपलोड करी है किसी और यूजर नेम से, और अपने वाटरमार्क्स वगैरह के ऊपर ना मेरी फोटो और नाम वगैरह लगा के उन्होंने अपलोड कर दी मेरे रेडिट पे। उसके बाद मैंने उस वीडियो पे रिएक्ट कर दिया, ठीक है, जो मैं यूजली करता हूँ अपने रेडिट के पोस्ट वगैरह पे, मीम्स वगैरह, मैंने उस पर रिएक्ट कर दिया और वो मैंने वीडियो में डाल दिया। इन्होंने वो सेम क्लिप देख के मेरी वीडियो पे स्ट्राइक लगा दी, ठीक है, और स्ट्राइक लगाने के बाद मैंने इन्हें मैसेज करा कि ओके भाई मेरे को कैसे पता होगा तुम्हारा कंटेंट है ये सब कुछ वो है, कि भाई स्ट्राइक हटा दो, आई एम सॉरी, मैं एक स्टोरी डाल दूंगा तुम्हारे बारे में कि ऐसा ऐसा हुआ था, ठीक है। इन्होंने स्ट्राइक नहीं हटाई, ये हरामखोर बोलते हैं कि हमारी एक नई वीडियो आई है उस पर रिएक्ट करो फिर हम आपकी स्ट्राइक हटाएंगे। बेसिकली मेरे को ब्लैकमेल कर रहे थे ये लोग इतने दिनों से, और इतने दिनों से स्ट्राइक आ रखी थी, मैंने अपील डाली हुई थी, आज YouTube ने मतलब वो अपील देख के वो स्ट्राइक हटा दी, क्योंकि उन्हें भी पता था कि भाई वो उनका ओरिजिनल कंटेंट नहीं है, ठीक है, खुद ने CID की क्लिप्स उठा के डब कर रखी है, उस पर मैंने रिएक्ट कर दिया, तो इन्होंने मेरे पे स्ट्राइक लगा दिया और ऊपर से ब्लैकमेल कर रहे थे कि हमारे वीडियोस पे रिएक्ट करो। ये इसलिए रिएक्ट करवाना चाह रहे थे क्योंकि इनको चाहिए था अटेंशन मेरी ऑडियंस से, ठीक है, इनको चाहिए व्यूज, ठीक है, तुम्हारे व्यूज नहीं आ रहे एंड भगवान करे कि कभी आए भी ना, ठीक है, क्योंकि तुम डिजर्व नहीं करते हो। कंट्रोल कंट्रोल उदय भाई गॉड, ये देखने के बाद मेरे को लगा फेंग शांत यार, पानी वानी पी, सोसाइटी की एंटी निकल रही थी अंदर से, भगवान करे। हाँ उसका चश्मा देख के मैं कहा चलो अब मैं भी चश्मा चेंज करता हूँ, बट ये बहुत गलत चीज है, तुम लेजिट तो जो चीज तुम्हारी नहीं है उस पर तुम किसी और को ब्लैकमेल कर रहे हो ताकि तुम शाउट आउट ले सको। अब बताओ इस शाउट आउट का क्या फायदा होगा तुम्हें, लोग तुमसे नफरत ही करेंगे ना कि तुम ये एक अच्छे क्रिएटर के साथ मिसयूज कर रहे हो कॉपीराइट सिस्टम का उसे ब्लैकमेल करने के लिए। ये लो फेंग की तरफ से भी शाउट आउट मिल गया, मेरी तरफ से भी शाउट आउट मिल गया, हर न्यू चैनल की तरफ से शाउट आउट मिलेगा। शाउट आउट नहीं गाली देना कहते हैं इसे, क्योंकि ये देखने के बाद किसी को अच्छा नहीं लगता कि बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, रिएक्शन में बहुत मेहनत जाती है भाई, मेरे को मालूम है ना सेकंड चैनल के लिए मैं 3-4 वीडियो रिकॉर्ड करके बैठा हूँ, एडिट नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है उसमें, और फिर ये झेलने को मिले, सबसे ज्यादा रिस्की काम है रिएक्शन में, कब कॉपीराइट क्लेम आ जाए स्ट्राइक आ जाए कोई भरोसा नहीं, और तुम उसको मिसयूज कर रहे हो जो बहुत गलत बात है। मतलब ये वही हरामी लोग हैं जो बार बार क्रिएटर के पास जाके पूछते हैं ए कितना कमाता है, हैं मैं भी क्रिएटर बनूंगा मैं भी अमीरी फील करूंगा। अरे भाई कुछ नहीं रखा यूट्यूब में कुछ नहीं मिलता यूट्यूब से, साला क्रिएटर बन जाओ ना तो उतना पैसा नहीं कमाते जितना बार तुमसे ये सवाल किया जाता है भाई कितना कमाता है। अभी इवन भुवन बाम ने भी इस पर रिएक्ट किया, मतलब अभी वो इंटरव्यू दे रहा था क्विट के साथ, तो उस पर भी इस चीज़ को एड्रेस किया गया। तो अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है, बाकी क्रिएटर पे यकीन नहीं ना, बीबी की बात सुन लो, बीबी भी वही कह रहा है जो हम सब कहते आ रहे हैं। अभी ये क्लिप बताने से पहले ना मेरी खुद की फट रही है, क्योंकि क्विंट ने ये वाली वीडियो क्लिप यूट्यूब पे अपलोड नहीं करी है, अपनी वेबसाइट पे करी हुई है, बड़ी मुश्किल से डाउनलोड किया मैंने भाई। तो लीव अ लाइक। इंटरव्यू का पूरा बेसिस होता था मेरी नेटवर्थ के ऊपर, क्योंकि एवरीवन बाय द एंड वांटेड टू नो कि हाउ मच आई अर्न, एंड इट इज वेरी, मतलब नॉट सेइंग दिस ऐसे, बट इट इज डिसरिस्पेक्टफुल बिकॉज़ इवन आई डोंट नो, देयर इज नो फिक्स्ड इनकम ऑन यूट्यूब, मतलब जितने यूट्यूबर ये देख रहे हैं उनको पता है ये बात, हाउ डू यू फीड देम थ्रू जस्ट एडसेंस मनी, तो ये स्कैम है। और नेटवर्थ जो गूगल पे लिखी होती है पहले तो इतनी फर्जी है, क्योंकि इट्स दे नेवर से कि हाँ इतना कमाते, दे लाइक एस्टिमेट अर्निंग, अब एस्टिमेट कौन पड़ता है, एंड दैट फिगर इज व्हाट इफ भुवन बाम अर्न थ्रू YouTube US का AdSense, if I had an audience in US, then वो मैं कमा रहा हूँ, then वो अमाउंट में कमा रहा हूँ, पर अभी ऐसा ही नहीं, इट्स अ स्कैम, whatever you watch on YouTube, anyone claiming कि okay YouTubers earn इतना, YouTubers earn इतना, we don't earn through AdSense। ये पता है normal audience जिनको कोई idea नहीं होता ना कि ये चीज़ चलती कैसे, वैसे उन्हीं के दिमाग में होते हैं सब, यहाँ कितना पैसा कमाते हो, ओह कितनी बड़ी डील है, इसका कोलैब इसके साथ हो रहा है,
वरना मेरे जस्ट जिनको पता है कि हमारा गेट कैसा चलता है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, सब्सक्राइबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, व्यूज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, मतलब व्यूज से तो फर्क पड़ता है वैसे बट कितने व्यूज पे कितने एड्स आ रहे हैं वो सब देखना पड़ता है हमें। अभी किसी का कोलैब अनाउंस हो गया तो उस पर पागल हो गए, ओए इंडियन क्रिएटर इस क्रिएटर से इस क्रिएटर का कोलैब होएगा, मतलब अभी बीबी स्पेन गया था तो कितनी बड़ा हुआ मर्चा था, सब प्राउड फील कर रहे थे, प्राउड मोमेंट भी था एक्चुअली, क्योंकि आज तक किसी ने किया नहीं वो चीज़। मनी हाइस्ट एक वर्ल्ड नोन फिनोमेना बन चुका है, तो उस पर भी रिएक्ट किया है एक जनरल डाउन टू अर्थ हम्बल बंदे ने, बीवी ने। दूर के ढोल सुहाने होते जैसे यहाँ बैठ के सबको लग रहा है कि क्या मिलिया। मैं वहां गया और कैजुअल था, मतलब इट्स लाइक यू मीटिंग फेलो क्रिएटर्स फॉर एग्जांपल, इट्स लाइक वहां वैसा ऑरा था, वो ऑरा वैसा बनाया गया। अबे कोई तुमसे ऊपर नहीं है, कोई तुमसे नीचे नहीं, सब तुम्हारे लेवल पे ही है क्योंकि इंसान सभी है, सबके अंदर इंसानी सभी है, तो ये गुरु रख के करना ही क्या है, इतना मत सोचो सबके लिए अच्छा सोचो, अपना सबसे अच्छा सोचो बस, उससे ज्यादा मत सोचो। मतलब अभी क्या हुआ, धीरू मंच है, धीरू मंच को मालूम है रिसेंटली एक बवाल हुआ था कृष्णा को लेकर, रैपर कृष्णा को लेकर, कि उसने कहा था कि यूट्यूबर क्रिंज रैप बना रहे हैं, हिप हॉप के नाम से पैसा कमाना चाह रहे हैं जबकि क्रिंज काम करते हैं, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं हमें कोई पूछता नहीं। जोगिंदर को ये सपोर्ट वाला आइडिया कहाँ से आया था, कृष्णा से है और कहाँ से आया था। तो उसमें फिर धीरू मंचिक ने भी रिएक्ट किया था और फुकरा इंसान ने भी रिएक्ट किया था, मैंने भी रिएक्ट किया था। तो अभी एक फोटो अपलोड करी धीरू मोहन सिंह ने जहाँ पे उसने बोला कि उसका नया गाना आने वाला है और सबको लगा कि वो कृष्णा को डिस करने वाला है, मतलब एक रैप सॉन्ग में डिस्ट्रैक्ट बना रहा है उसके ऊपर, और लोग कमेंट करने लग गए रेस्ट इन पीस इसका करियर खत्म, अनसब्सक्राइब धीरू मोहन, काम धंधा है कि नहीं तुम्हारे पास। एक बट तुम्हें मालूम है ना वो इतना लेवल पर कहाँ से आया है, एमी बंटा है नाम सुना है नहीं नहीं यार कृष्णा ना कृष्णा रैपर है वो उसी का काम है। अच्छा अच्छा जोगिंदर भी तो इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल रहा था है, उसके बाद यूट्यूब पे डाल रहा था और सबको छपरी यूट्यूबर बोलता था, सबके लिए बवंडा लाना चाहता था अभी यूट्यूब के लिए कितना बड़ा ड्रामा किया भाई साहब। अगर तुम्हें लगता है ना किसी का करियर खत्म हो जाएगा इस चीज से, तुम बहुत गलत रास्ते पे हो, इसका अपोजिट होता है हमेशा, चाहे तुम प्यार दिखाओ या गालियां दो प्रॉफिट क्रिएटर को ही होगा हमेशा, क्योंकि एंगेजमेंट हमेशा आएगी। और साले क्रिएटर कम्युनिटी में होते हैं ना ये हरामी बन करने वाले, अरे नहीं नहीं यार अबे यार उसकी फील्ड है यार, ऐसे हैं क्रिएटर जिन्होंने रिएक्ट किया इस वजह से, मैं भाई सपोर्ट देखूंगा धीरू कौन से मेरा भाई तू कर मैं सपोर्ट कर रहा हूँ मेरे को प्यार मैं प्यार दूंगा तेरे रैप को पक्का बोल रहा हूँ। और जिन मुझे नहीं मालूम जो ये ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि हाँ तेरा करियर खत्म हो जाएगा तेरा दिमाग खराब हो गया, कि उसने उन्होंने पहले सुने धीर मोहन के गाने, वो एक्चुअली अच्छा लिखता है अच्छा रैप फ्लो है उसके पास, किससे किसकी बात कर रहे हो तुम कि नहीं 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 उससे मजे नहीं ले सकते कृष्णा डिस कर देगा तू खराब। अबे डिस गेम है ही इसलिए कि दोनों एक दूसरे को गाली दो और आगे बढ़ो, और इस चीज का तो इतिहास है हमारे पास 2019-2020 खास गवाह है इस चीज का, जहां ड्रामा वहां हम, क्योंकि बिग बॉस हम सबको पसंद आता है चाहे हम बोले या ना बोले, है तो इंडियन सोसाइटी की आंटी ही सही बात है। अरे पता चला वहां पे क्या हुआ, अरे हार गया हारता कोई नहीं हारते हम ले क्योंकि हम अपना टाइम बर्बाद कर होते हैं। सुधीर मंचक मेरा प्यार और मेरा सपोर्ट हमेशा तेरे साथ है मेरे भाई, हमारे में तेरे बाप को मत सिखा चल। अबे यार मेरे को चार्ज करना था ना फोन, मैं भूल गया चार्ज करना, अब सालों ने टैरिफ बढ़ा दिया, कल तक 149 का हो रहा था साले 180 देने पड़ रहे मेरे को, तो 200 से ऊपर देने पड़े मेरे को, दिखाई कोई दूसरा प्लान पेटीएम पे। और अभी खबर आ रही है अमेजोन प्राइम के भी चार्जेस बढ़ाने वाले हैं, सही कहा है था तुम लोगों ने, सबसे बढ़िया टेलीग्राम सब कुछ मिलता है, सही चैनल पर सब्सक्राइब करने की देरी होती है, बताना एक आध चैनल बताना, क्योंकि इस बार अगर इन्होंने प्राइस बढ़ाया ना मैं तो रिचार्ज नहीं करने वाला। अरे जिंदाबाद भाई साहब टेलीग्राम जिंदाबाद। और कौन कौन सी वेबसाइटें जहाँ मिलती है आजकल, तो वैसी वेबसाइट पे फिल्में मिल जाती हैं, सही बात है, पता नहीं मैंने देखी यार अभी लव स्टोरी पड़ी हुई थी, क्या बात कर रहा हूँ मैं तुमसे, ऐसे बदतमीजी नहीं करेंगे काम की बात करेंगे। अभी 21 साल बाद तीसरी मिस यूनिवर्स इंडिया से बन चुकी है मिस हरनाज संधु, और इसी चीज पर रिएक्ट किया है लारा दत्ता ने, सुष्मिता सेन ने, सुष्मिता ने किया कि नहीं किया वो नहीं मालूम मेरे को, बट लारा दत्ता ने किया है, प्रियंका चोपड़ा ने किया है, और प्रियंका चोपड़ा इतने खुश किए मुझे तो यही समझ में नहीं आया वो खुद मिस वर्ल्ड है और कॉन्ग्रेचुलेट ऐसे कर रही है दैट मिस यूनिवर्स इज मिस इंडिया। और एक वियर्ड चीज देखी तुमने इस कंपटीशन की, मिस यूनिवर्स कंपटीशन का नाम है और इतने सालों में जब से ये शो चल रहा है पृथ्वी ने 70 मिस यूनिवर्स दिए हैं यूनिवर्स ने एक भी नहीं दिया क्या चल रहा है ये कंपटीशन, कुछ गड़बड़ है इसके साथ, इस पे क्यों नहीं जजमेंट करते भे? कि ये फॉरेनर क्यों डिसाइड कर रहे हैं कि हमारे देश की बेटियां सुंदर है कि नहीं है, इस पे गुस्सा नहीं होता, अच्छा ये पॉलिटिकल नहीं है ना अभी, सही बात है। और सबसे अजीब समय चल रहा है दुनिया भर में, कुछ लोग इतने वोक हैं कि वो स्पाइडरमैन के पीछे पागल है और बाकी सब पॉलिटिकल चीजों पे लड़ रहे हैं, मतलब अभी देखो ना इंडिया में इतनी डिमांड थी स्पाइडरमैन नो वे होम की कि सालों ने सुबह 5 बजे का शो रख दिया ओपन, डेट बुकिंग एक्सटेंड कर दी है, मैं कहा यार पहले बताओ तो बुक क्या होती कैसे है, हमें तो ऑनलाइन बुक करना भी नहीं आता,
अबे लास्ट टाइम पता नहीं कब गया था मैं, कपूर एंड सन्स देखने गया था जब रिलीज हुई थी, उससे पहले कब गया था। आज तक मैंने 3 मूवी थिएटर में देखी है, शांघाई, एक वो मूवी जिसका गाना है चप्पा चप्पा चरखा चले जब मैं बहुत छोटा था, और कपूर एंड सन्स, बस ये 3 मूवी थिएटर में देखी, इसके अलावा मैंने एक मूवी नहीं देखी। मेरा मन तो है स्पाइडरमैन देखने का, बट मैं क्यों देखूं क्यों ही देखूं मैं, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है पता करने की एक स्पाइडरमैन है 3 स्पाइडरमैन, जब हिंदी डब आ जाएगी हॉटस्टार पे देख लेंगे। और सच में तुम पैसा बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि स्पॉइलर तो तुम्हें वैसे ही मिलना है और फर्स्ट डे फर्स्ट शो तुम्हें मिलना नहीं है। और साले हॉटस्टार डिज्नी वाले इतने हरामी हैं कि एक महीना वेट करके डाल ही देते हैं। अभी शैंग-ची आ चुका है, देख ली मैंने, ब्लैक विडो हॉटस्टार पे देखी, और अब तो बात चल रही है कि जो इटर्नल्स आई थी वो भी डालने वाले हैं हिंदी डब, जे बॉय। अब हॉलीवुड की बात हो गई, चलो बॉलीवुड चलते हैं। अरे क्या हो गया करीना को, हैं तैमूर की मम्मी, सैफ की बीवी और जहांगीर की मम्मी है ना, हाँ। अबे करोना पकड़ गया उसको, करोना पॉजिटिव हो गई वो और उसकी बहन, और बीएमसी वालों ने स्टेटमेंट इशू किया है, इन्होंने कोविड के प्रोटोकॉल तोड़े हैं क्योंकि ये क्रिसमस पार्टी में घूम रही है, करण जौहर की पार्टी में जा रही है अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ। मैं कहा ऐसी कौन सी पार्टी है, ये कहाँ हो रही है जो हमें नहीं बुला रहे यार, हमें क्या कमी है बालों की। मजा आया। अबे कंगना रनावत, कंगना रनावत पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, जो स्टेटमेंट दी थी उसने फार्मर्स के ऊपर, तुम कहा ना कि उसको बुला लिया था, पुलिस स्टेशन आ जाओ वरना कोर्ट में बुला लेंगे, तो अभी वो सेटल हो गया पुलिस के साथ उनका, क्योंकि उसने बोल दिया कि हाँ देखो मैं इतने तारीख को फ्री हूँ, मैं आ जाऊँगी खार पुलिस स्टेशन में। मैं कहा फिर क्या मजा आएगा भाई, हैं कुछ अरेस्ट वरेस्ट वार्ड निकालते तो मजा भी आता न्यूज कवर करने में, करने में ये क्या, ये तो खत्म ही कर दिया तुमने, ऐसे नहीं चलेगा यार, ऐसे मजे मत लो, कॉन्टेंट दो हमें। जैसे समंथा दे रही है अभी इतना न्यूज में रही, अभी जाके डिवोर्स के बाद आइटम नंबर कर रही है, आज से पहले किया नहीं था ना समंथा ने, थोड़ा तो वियर्ड लगता है देखने में उसको आइटम नंबर में, बट लग रही सही है, अच्छी लगती मुझे, पहले नहीं लगती थी, अभी भी नहीं लगती, मतलब स्माइल जब करती है वैसे सब कुछ ठीक है, एक्टिंग वाइज तो अच्छी है। तुम्हें क्या लगता है, बात तो मैं ऐसे कर रहा हूँ जैसे मैंने तुम्हें चाय पे बुलाया है, हाँ ये देखो बिस्कुट खाओ और बताओ क्या सोचते हो तुम, इतने अच्छे दिन नहीं आए तुम्हारे और ना आएंगे, तुम्हारे साथ चाय पीने से अच्छा एमा वॉटसन के साथ ना पी लूँ, हैं कितनी शरीफ संस्कारी लड़की है तुम्हें पता है ना, ये बिरिस्ता बेफालतू की बातों का, क्योंकि अभी एमा वॉटसन ने कहा है थैंक यू इंडिया, मेरे लिए तो कहा है तरफा प्यार की ताकत देखी भाइयों मित्रों अच्छे दिन आ गए। अबे जो थोड़ी कर रहा हूँ, एमा वॉटसन ने एक्चुअली इंडिया को थैंक यू बोला है चिपको आंदोलन के लिए, बस इतना ही बताना था, कौन पढ़ेगा आर्टिकल किस बात पे क्या बात हुई थी और कहाँ बात है, क्या करोगे यूपीएससी में नहीं आएगा ये, नहीं आएगा पक्का बोल रहा हूँ, चिपको आंदोलन आएगा वो जाके पढ़ लेना, मैं स्कूल टीचर हूँ तुम्हें यहाँ बैठ के चिपको आंदोलन बताओ, हमसे कोई चिपकता नहीं, तुम्हें आंदोलन जानना है ना, वो कोई जानने वाली बात छी अथो, ये बात जानो कि हाईकोर्ट ने बोला, कौन सा हाईकोर्ट ने बोला है, भटिंडा हाईकोर्ट ने बोला है कि बिना बीवी के परमिशन के उसकी फोन की रिकॉर्डिंग करना ब्रीच है, प्राइवेसी ब्रीच है। मैंने कहा अच्छा इसका अपोजिट भी बोल देते क्या जाता तुम्हारा तेरा फोन में बिना मर्जी के कर रहा हो ना, वो तेरी प्राइवेसी की ब्रीच हो रही है, और ये जो लड़कियां तुम्हारे फोन के पीछे पड़ी रहती दिखाओ दिखाओ किससे बात कर रहे हो वो प्राइवेसी ब्रीच नहीं होता। अबे ये गलत बात है यार, हम लॉन्डो की कोई वैल्यू नहीं है, नहीं बाकी आई होप 10 मिनट हो जाए इसमें, क्योंकि आगे कोई न्यूज नहीं, किसी ने डंकी न्यूज कवर नहीं करी है भाई, छोड़ के नहीं जा सकता तुम्हें, वैसे छोड़ देता, अबे गया था मैं सेकंड डोज के लिए बट नींद ही नहीं खुली सुबह जल्दी, तब तक मैं उनका स्लॉट खत्म हो गए, अब कल फिर जाना पड़ेगा, और फिर वो तुम्हें मालूम है 2 दिन तक फिर पड़े रहो ऐसे ही, और साला ऊपर से नया वर्जन लेके आ गया, क्या किया 2 साल में तुम लोगों ने, बस 1 साल दवाई लगाने बनाने में लगा दी, दूसरी साल ये बताने में लगा दिया कि हाँ लगानी है, और 3 साल जैसे ही आ रहा, अरे एक और आ गया, इसमें तुमने लगा ली ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तुम्हें होके रहेगा, हाँ तो हो जाए जो भी होना है, कल लगाने जाना है सेकंड डोज, और अभी के लिए तुम लाइक करो सब्सक्राइब करो, और मैं मिलता तुमसे कब, कल तब के लिए पीस आउट, हालत बुरी रहेगी मिलूंगा जरूर पक्का, चल बाय पीस। आज का क्या, शेरों के साथ संगत बनाओ, क्योंकि अगर कुत्तों के साथ बैठोगे ना तो सिर्फ लोगों के पीछे भौंकना ही सीखोगे। True story, bro.